कश्मीर घाटी में विशेष शीतकालीन कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों को ब्रेक दिया गया। आर्मी कैंप यमराज ने डे विद किड्स का आयोजन किया, जिसका थीम था स्नो एंड चाइल्डहुड। इस कार्यक्रम में 4 शिक्षक और 137 बच्चों ने भाग लिया। इसमें कुछ स्थानीय बच्चों ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में स्नो मैन मेकिंग प्रतियोगिता, स्नो बोर्ड प्रतियोगिता और स्नो रेस जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं बच्चों ने बड़े ही जोश खरोश के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया और इसका खूब आनंद उठाया। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष में विजयपुर के राणा गुरुद्वारे से एक सामूहिक नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख संगत ने भाग लिया। वहीं इस उपलक्ष में तरह तरह की झांकियां भी निकाली गयी। ये नगर कीर्तन राणा गुरुद्वारे से आरंभ होकर इसका समापन बड़िया सेंट्रल गुरुद्वारे पर हुआ। इस नगर कीर्तन द्वारा भाईचारे का संदेश दिया गया। जम्मू में पिछले 48 दिनों से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन कर रहे धर्मार्थ ट्रस्ट कर्मचारियों एवं क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 31 जनवरी से पहले मांगे पूरी नहीं की गयी तो प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी दरिया चिनाब में जल समाधि लेंगे। कर्मचारी पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर भी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार के रवैये को देखते हुए लगता है कि बीजेपी और प्रशासन धर्मार्थ ट्रस्ट के ट्रस्टियों के साथ मिला हुआ है। कृषि सुधार कानून को निरस्त किए जाने के विरोध में जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ लगते आरिसपुरा कस्बे में निकाली गई ट्रैक्टर रैली निकलते ही जम्मू कश्मीर किसान एकता मंच के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये रैली मंच के प्रधान तेजिंदर सिंह टोनी की अगुवाई में बाना सिंह स्टेडियम से निकाली गई थी। इसे जम्मू के डिवकॉम कार्यालय तक जाना था, जहां किसान नेताओं ने डिवकॉम को कृषि सुधार कानून को निरस्त किए जाने के समर्थन का मेमोरेंडम सौंपना था। जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल BSF देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्व को भी बखूबी निभा रही है। इसी क्रम में BSF की 176वीं बटालियन द्वारा रामगढ़ क्षेत्र के गांव कमौर में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन BSF के DIG हरिलाल ने रिबन काट कर किया। इस दौरान गांव के सैकड़ों लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया। BSF के डॉक्टरों द्वारा उनका फ्री चेकअप किया गया, साथ ही फ्री दवाइयां भी बांटी गयी। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बार बिना टिकट या इनविटेशन कार्ड के गणतंत्र दिवस समारोह में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। बिना परिचय पत्र के टिकट नहीं मिलेगा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ACP सिद्धार्थ जैन ने कहा कि हमारे पास इनपुट है कि खालिस्तानी संगठनों और अलकायदा सहित कुछ आतंकवादी संगठन 26 जनवरी को किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। दुनिया भर में तबाही मचाने वाली वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की शुरुआत पिछले साल चीन के वुहान शहर से हुई थी। एक साल बाद चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की टीम को कोरोना वायरस के सूत्र का पता लगाने के लिए वुहान आने दिया। WHO की टीम के वुहान दौरे के बीच कोरोना वायरस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। वुहान लैब के वैज्ञानिकों ने माना है कि रहस्यमय गुफाओं से चमगादड़ के नमूने लेते समय उन्हें कुछ चमगादड़ों ने काट लिया था। चीनी वैज्ञानिकों की लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ये खुलासा हुआ है। जिन गुफाओं में चीनी वैज्ञानिक नमूने लेने गए थे, वे गुफाएं कोरोना वायरस से संक्रमित चमगादड़ों का घर कही जाती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बंदूकधारियों ने कार पर गोलीबारी की, जिसमे अफगानिस्तान की हाईकोर्ट में कार्यरत 2 महिला न्यायाधीशों की मौत हो गई और कार चालक घायल हो गया। कतर में अफगान सरकार के अधिकारियों और तालिबान के बीच जारी शांति वार्ता के दौरान काबुल में ये हुआ हमला ताजा है। अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता अहमद फहीम कावीम ने बताया कि हमले में मारी गई महिलाएं न्यायाधीश थीं। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बगलकोट में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर भरोसा मत कीजिए, जब बारी आए वैक्सीन लगवाते जाइए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं, मैं जानता हूं वो विरोध के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहता हूं, आपने देश में 4 पीढ़ियों तक शासन किया, गरीब महिलाओं के घरों में रसोई गैस क्यों नहीं दी? गरीब के लिए शौचालय, बिजली, घर,
आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं दी? क्योंकि वो गरीबी को दूर नहीं करना चाहते थे। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 126 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 182 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1921 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जम्मू रहा, जहां कोरोना के 48 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 61 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 65 नए मामले सामने आए। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,23,343 हो गया है।